यहाँ क्या कर रहा है? अच्छी सोचा साथ पढ़ लेंगे। ओ, देख तेरे बाप ने तुझे यहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजा है, इसलिए पढ़ाई कर, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, साथ में मेरा बस एक छोटा सा काम करना होगा, मेरी बेटी मानसी पर नजर रखना, वो किस किस से मिलती है उसकी कंप्लीट डिटेल मुझे ला कर दो। बेटा, अगर तूने ये काम नहीं किया तो मेरे पास एक इतना मोटा लोहे का सलिया है, उससे गरम करके। मैं समझ गया, मतलब ओनली इनकमिंग अलाउड, नो आउटगोइंग पॉसिबल। ऐसे में तो ट्रैफिक जैम हो जाएगा ना, कोई भी बात होगी तो मुझे आपको बतानी ही पड़ेगी ना। बतानी ही पड़ेगी, जरूर बताऊंगा। चल निकल जान बच्ची। ए, तुम अपने बाप को उस लड़के के बारे में बताती क्यों नहीं हो? कैसे बताऊं, बहुत डर लग रहा है। अरे, तुम्हारे सुर सेट करने के चक्कर में मेरे सारे सुर बेसुर हो जाएंगे। फूटी किस्मत, इधर से या उधर से मेरा बजना तो तय है। ऊपर वाले सुन ले मेरी गुहार, बाप बेटी के चक्कर में लगता है ना बच पाएगा ये झनकार। दिमाग खराब है क्या? आज वैलेंटाइंस डे नहीं है। अरे वो तो मैं भी जानता हूँ कि आज वैलेंटाइंस डे नहीं है मानसी, पर क्या फर्क पड़ता है? सच्ची मोहब्बत करने वालों के लिए तो हर दिन वैलेंटाइंस डे होता है। जब तुम्हारा दिल करे तब वैलेंटाइंस डे मना लो। हट, ये तो बिल्कुल ही पागल है। अरे मानसी, दोबारा अगर मेरा नाम पुकारा ना, मार डालूंगी तुम्हें। अरे जिससे सच्ची मोहब्बत होती है ना, अगर उसका नाम एक बार भी प्यार से ले ले तो ऐसा लगता है जैसे जन्नत की सैर कर ली। उसे एक नाम में पूरी बोतल का नशा होता है, किक मिलती है किक। ओ, अच्छा अच्छा, छोड़ो, कहाँ जा रही हो? मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ, चलोगे मेरे साथ? क्या बात है, साथ मरने का मौका मिल रहा है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? पता है जब हम लोग मर जाएंगे ना तो लोग हमें लैला मजनू की तरह याद करेंगे, शायद हमारी याद में भी एक बड़ा सा ताजमहल बन जाए। हम कितने फेमस हो जाएंगे। नहीं, चल चलो जल्दी मर जाते हैं। पलट पलट, चल भाग चल भाग। वाओ, कितनी खूबसूरत जगह है।